Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing adverb and this is session 2. In this we are doing types of adverbs. Now there are different kinds of adverbs expressing different meaning. The following are some of the common ones. So आपको पता है adverb क्या है? Adverb जो qualify करता है verb को, adverb को, adjectives को. तो जो adverbs हैं उनके different meaning होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे उनके सारे टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन समथिंग इज डन और हैपेंस. कब कुछ होता है या किया जाता है. वी यूज इट एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. वी यूज इट एज अ फॉर्म ऑफ एम्फेसिस व्हेन वी प्लेस इट एट द बिगिनिंग. जब हम इसको बिगनिंग में यूज करते हैं तो एज अ फॉर्म ऑफ एम्फेसिस हम इसको यूज करते हैं. जब हम स्टार्टिंग में इसको यूज करते हैं. एडवर्ब्स ऑफ टाइम इंक्लूड आफ्टरवर्ड्स, ऑलरेडी, ऑलवेज, इमीडिएटली, लास्ट मंथ, नाउ, सून, देन एंड यस्टरडे. राइट, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के एग्जाम्पल हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम and these are all examples. Now he collapsed and died yesterday. Last week we were stuck in the lift for an hour. Now adverb of degree. An adverb of degree tells us the level or extent that something is done or happened. जब हम इंटेंसिफाई करते हैं किसी एक्शन को तो हम डिग्रीज का यूज करते हैं. तो कौन से लेवल में है, क्या उसका एक्सटेंट है, उसको जो बताता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है. वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री आर ऑलमोस्ट, मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू, वेरी, एक्सेट्रा. तो ये सब चीज हमें क्या बताती है, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन हमें बताती है. नाउ इट वाज टू डार्क फॉर अस टू फाइंड आवर वे आउट ऑफ द केव. द एक्सीडेंट विक्टिम नियरली डाइड फ्रॉम हिज इंजरीज. नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग इज डन और हैपेंस. कहां पर वो होता है. प्लेस फॉर एग्जाम्पल, इसे हम हमेशा वर्ब के बाद यूज करते हैं. वी यूज इट आफ्टर द वर्ब या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. तो ये कितना अच्छा क्ल्यू है. अगर आपको वर्ब के बाद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, सेंटेंस के एंड में कोई वर्ड एलवाई के साथ दिखे तो आप समझ सकते हो कि ये एडवर्ब है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंक्लूड वर्ड्स सच एज अवर, बिलो, हेयर, आउटसाइड, ओवर देयर, देयर, अंडर, अपस्टेयर. यहाँ कहीं भी आपको एलवाई नहीं है और ये सारे वर्ड्स एडवर्ब्स हैं. नाउ वी कैन स्टॉप हेयर फॉर लंच. राइट, द स्कूल बेल वर नॉक्ड ओवर बाय अ बस. तो यहाँ पर आपने देखा वर्ब के बाद है और यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट के पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द स्कूल बॉय वर नॉक्ड ओवर बाय अ बस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ है. नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर. एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ समथिंग इज डन और हैपेंस. कैसे हुआ वो काम. नाउ मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स एंड इन ly, जैसे badly, happily, sadly, slowly, quickly and others that include well, hard and fast. Right? तो happy अगर रहे तो adjective है, लेकिन happily अगर रहे तो adverb है. Bad, adjective, badly, adverb. Slow, adjective. He is a slow learner. तो वहां वह adjective है, लेकिन he runs slow, यहाँ ये adverb है. और slowly जो आपको adverb है. The brothers were badly injured in the fight. They had to act fast to save the others. तो उनको बहुत fast act करना पड़ेगा. आपने देखा act fast, right? तो इस तरह से आप देख रहे हो verb को जो modify करे वो adverb है. Now adverb of frequency.
एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग इज डन और हैपेंस, कितनी बार होता है. वर्ड्स यूज्ड एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड अगेन, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, एवर, फ्रीक्वेंटली, जनरली, हार्डली, एवर, नियरली, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ट्वाइस, यूजुअली एंड वीकली. तो यहाँ आपने देखा ये सारे वर्ड जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताते हैं. नाउ दे वर ऑलमोस्ट 50 व्हेन दे गॉट मैरिड. ही हार्डली एवर से समथिंग नाइस टू हिज वाइफ. व्हाइल ओवरसीज ही फ्रीक्वेंटली फोन्ड होम. नाउ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. जो एडवर्ब्स कंफर्म करता है या डिनाई करता है किसी भी एक्शन को, तो सेंटेंस में उसको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन बोलते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू री इन्फोर्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. वर्ब के जो एक्शन हो उसको री इन्फोर्स भी करता है. तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आर लाइक डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्यूटली. डेफिनेटली आई विल डू दिस, श्योरली ही और शी विल कम. तो यहाँ आप देख रहे हो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है. However, affirmation adverbs are denial or negation are like no, can't, don't, never. These are adverbs of negation. तो इस तरह से आप देख रहे हो, these are all adverbs. I'll certainly go to the school. I never leave you alone. तो यहाँ पर आप देख रहे हो adverb of negation, adverb of affirmation. Now, adverb of comment. Using adverb of comment, we can make a comment on entire sentence. This adverb can change and describe the verb as well as the influence the whole sentence. एक adverb जो comment pass करे इस sentence पे, तो क्या है उसके प्रति हमारी दूसरों की राय बदल सकता है वो एक word, क्योंकि वो verb को describe कर रहा है. कैसे? Adverbs are comment like fortunately, unfortunately, patiently, honestly, obviously, constantly. तो पूरे सेंटेंस को वो चेंज कर सकता है क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड एडवर्ब्स है. फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली ही गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज पोस्ट, राइट. लकीली आई गॉट एडमिशन इन द टॉप कॉलेज. ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग वे टू डू. तो इस तरह से ये जो कमेंट हम जो दे रहे हैं उससे पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है. नाउ एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन. It helps us in connecting the ideas or clauses. It shows effect, sequence, contrast, cause or other relationship between two clauses in the sentence. We need to use a semicolon to conjugate two clauses. दो clauses को जब हम जोड़ते हैं तो हम semicolon लगाते हैं. Adverbs or conjunctions are like anyway, accordingly, consequently, again, contrarily, almost, etc. तो इस तरह से आपने देखा एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन. एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग. क्लॉज टू, ही मेड श्योर टू अटेंड मीटिंग ऑन टाइम. तो ये दो क्लॉज को हमने जोड़ा. ही वॉज गोइंग टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, अकॉर्डिंगली मेड श्योर टू अटेंड मीटिंग ऑन टाइम. तो इस तरह से दो क्लॉजेस को हमने अकॉर्डिंगली में जोड़ा. यहाँ सेमी कोलन लगाया हमने और यहाँ कॉमा लगाया. तो राइट, दिस इज adverbs of conjunction. Adverb of reason. Adverb of reason is used to express the reason for. क्या कारण है? Answer the question or purpose of an action in the sentence. Sentence का purpose क्या है? Adverbs of reasons are like therefore, hence, thus, consequently, so, since, etc. I was not working hard, therefore I failed. Cause and effect. Consequently, he denied to come to the पार्टी. तो इस तरह से आप देख रहे हो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है. एडवर्ब ऑफ नंबर. एडवर्ब ऑफ नंबर इज यूज्ड टू शो नंबर ऑफ एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस. दीज नंबर्स आर लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, वंस, ईयरली, नेवर, ट्वाइस, लास्टली, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड ट्वाइस अ डे. तो ट्वाइस इन एन एडवर्ब ऑफ नंबर. So, what have we learned? We have learned
many types of adverbs, and you please go through the slide again and again. You read it and understand it, and hope it will be a great help to you to understand adverb. In the next session, I will be with new topic of grammar. Till then, take care. Thank you.